उसके बाद देखिए बात करेंगे यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आपके पास एक पतंग है, वो पतंग क्या कर रही है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ऊपर उड़ रही है। कहानी समझ आई। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपको पता है जो यहां पर पतंग उड़ती है, जो काइट यहां पर फ्लाई होती है बेटा, उसमें कोई ना कोई रस्सी बंधी होती है। तो वैसे ही उस काइट में ना यहां पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है, और वो रस्सी जमीन पर किसी पॉइंट से बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच कर दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल। तो वहां पर वो जो स्ट्रिंग है उसने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको क्या करना है वहां पर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। एज्यूमिंग दैट, आप ये मान के चलेंगे देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब ऐसा होता है कि कोई, मान लीजिए आप लोग को पता है जब आप पतंग उड़ाते हैं तो रस्सी ढीली हो जाती है, या फिर आप लोग जब कुछ करते हैं तो इस तरीके से वहां पर कर्व बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रस्सी बिल्कुल यहां पर सीधी है। कहानी इतनी समझ आई थी कि आपके पास एक पतंग है, वो पतंग ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। आपको पता है जब आप पतंग उड़ाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई इस तरीके से रस्सी बंधी होती है जिसे आप ऐसे पकड़ के खींचते हैं। तो वो जो यहां पर स्ट्रिंग है उसको मैंने क्या करा है, ग्राउंड के साथ किसी पॉइंट पर बिल्कुल टाइटली बांध दिया, और वो जो यहां पर स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग ने उस ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो आपको ये बताना है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ ही यहां पर कितनी है। क्वेश्चन की कहानी समझ आई। मान लीजिए यहां पर आपके पास ये एक ग्राउंड है, मान लीजिए यहां पर आपके पास ये एक ग्राउंड है, और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर आपके पास यहां पर एक काइट उड़ रही है। इस तरीके से यहां पर एक पतंग है जो उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। इसको हम लिख देते हैं ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। अब आपको पता है जब पतंग उड़ती है तो बिल्कुल ऐसे सीधी तो उड़ती नहीं है पतंग। पतंग आपके सामने मान लीजिए जब भी फ्लाई हो रही है तो इस वे में होती है, इस वे में, ताकि आप उसे ऐसे खींच सके। या आपको समझ आ रहा है, पतंग बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती, या फिर पतंग बिल्कुल ऐसे इधर सीधी नहीं। पतंग हमेशा एक यहां पर एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस वे में ही यहां पर काइट उड़ती है। वो इधर हो सकता है, वो इधर हो सकता है, वो इधर हो सकता है, बिल्कुल सीधी तो होती नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस काइट के साथ जो रस्सी बंधी होगी वो ये वाली रस्सी तो होगी नहीं। ये चीज यहां पर हमें क्या बता रहा है, ये तो हमें यहां पर बस इतना बता रहा है कि भाई वो जो हमारी काइट है वो काइट उस ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। तो ये तो उसकी लेंथ आ गई कि मान लीजिए जब आपने ऐसे काइट को उड़ाया तो काइट यहां पर उड़ रही है, तो यहां पर उड़ने के बाद उसकी ग्राउंड के साथ लेंथ कितनी है, तो ग्राउंड के साथ उसकी लेंथ 60 मीटर है, वो तो हमें ये बता रहा है। लेकिन आपके पास ये जो काइट है वो इस वे में जब उड़ती है तो मैंने यहां पर लेट करा कि उसकी जो स्ट्रिंग है वो यहां पर कुछ इस वे में होगी, वो यहां पर बिल्कुल कुछ इस वे में होगी जो कि बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है, उसमें कोई लैग यहां पर नहीं है। अब ये जो यहां पर स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे मैंने क्या करा, किसी पॉइंट पे बिल्कुल टाइटली उसको बांध दिया, बिल्कुल टाइटली उसको ऐसे रब कर दिया। अब ये जो स्ट्रिंग था, ये जो रस्सी थी आपके पास, ये वाली रस्सी यहां पर ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कहानी समझ आई। आपके पास एक पतंग है, वो पतंग जमीन से 60 मीटर की हाइट पर है, वही पतंग ग्राउंड पर किसी पॉइंट से बंधी हुई है। तो अब आपको पता है पतंग जो होती है वो इस वे में उड़ती है, तो या तो वो ऐसे ही उसकी जो पतंग की जो रस्सी होती है वो कुछ इस वे में होती है, ऐसे नीचे से ऊपर जाती है लेकिन बिल्कुल एलिवेशन की फॉर्म में। तो यहां पे आप मान लीजिए आपने रस्सी को बांध दिया तो यहां से पतंग की रस्सी कुछ इस वे में होगी। तो आपको क्या करना है, इसी स्ट्रिंग की, इसी रस्सी की लेंथ निकालनी है, एंगल पता है और ये रिजल्ट यहां पर पता है। अब समझिएगा, अगर आपका यहां पर एंगल है, यहां 90 डिग्री होगा, मैं अगर मैं बिल्कुल पतंग के बिल्कुल नीचे से परपेंडिकुलर डालूंगा ग्राउंड पे तो यहां 90 डिग्री होगा, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी,
उसके नीचे वाली साइड यहां पर बेस हो जाएगी जहां पर एंगल बन रहा है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब आपको पता है यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 है, और निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके पास परपेंडिकुलर भी आता है और उसके पास हाइपोटेनियस भी आता है। तो ऐसे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन और अनदर फंक्शन है हमारा यहां पर कोसाइन, मतलब साइन और कोसेक, सॉरी साइन और कोसाइन। हाँ, तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा का रेशियो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जिसका मन करे उसका यूज कर लो, साइन की ज्यादा आदत होती है बोलने की तो पहले साइन को पकड़ लेते हैं। तो हम लोग यहां पर जानते हैं कि जो भाई हमारा साइन थीटा है वहां पर साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, यहां पे साइन के साथ जो ये थीटा है वो थीटा उस ग्राउंड का एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ये 60 है तो 60 और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस की लेंथ हमें निकालनी है, ये चीज हमें यहां पर नहीं पता। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री बाई टू इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज इक्वल टू 60 और डिवाइडेड बाय एच। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच अंडर रूट थ्री के पास जाएगा, तो रूट थ्री एच इज इक्वल टू 60 टू 120। अब आपको पता है ये रूट थ्री यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 120 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री। h की वैल्यू 120 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री। अब आपको पता है नीचे अंडर रूट नहीं आता, तो हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। तो जब आप अंडर रूट थ्री से ऊपर भी और अंडर रूट थ्री से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री आपको यहां पर 3 दे देगा, और ऊपर लिखा हुआ है बेटा 120 अंडर रूट थ्री, और जब 120 को 3 से उड़ाओगे तो आपके पास 40 बचेगा। डेट मीन्स 40 अंडर रूट थ्री यहां पर उस स्ट्रिंग की लेंथ है जो हमें यहां पर निकालना था। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1.5 मीटर टेल बॉय, एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है फ्रॉम ए 30 मीटर टेल बिल्डिंग, एक 30 मीटर बिल्डिंग की से। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, इस 30 मीटर की जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट 30 मीटर है, उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर, मतलब वो कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, वो 10 मीटर हो सकती है, वो 50 मीटर हो सकती है, वो 100 मीटर हो सकती है, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। तो उस 30 मीटर टेल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर आपके पास एक लड़का खड़ा हुआ है, जहां पर उस लड़के की जो हाइट है, उस बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर की है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां तक, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तक, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बढ़ जाता है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर बिल्डिंग है, यहां पर वो लड़का है, अब लड़के की आंखों से, ये उसकी आंख है, लड़के की आंखों से बिल्डिंग के टॉप का, लड़के की आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 30 डिग्री है, लेकिन कुछ समय बाद लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता हुआ आया, लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता हुआ आया, और बिल्डिंग की तरफ देखो पहले यहां था, अब चल कुछ सब, मतलब चल रहा है, तो अब मान लो यहां पर आ गया, तो यहां पर आने के बाद उसकी आंखों से लेकर बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो ये कहानी है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको ये बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस आया, मतलब जब उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चेंज हुआ तो वो कितना आगे आ गया, हमें ये चीज यहां पर बतानी है।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की कहानी पहले समझिएगा। मान लीजिए यहां पर एक बिल्डिंग है, ये यहां पर मैंने एक बिल्डिंग बनाई है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है यहां पर? 30 मीटर। मान लीजिए इस 30 मीटर यहां पे इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर, तो मैं काम करता हूं, मैं इधर बनाता हूं। इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर मान लीजिए मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर ना एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है इस तरीके से, एक लड़का खड़ा हुआ है इस तरीके से। ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर, अगर यहां बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, और इस लड़के की जो हाइट है वो हमारे पास यहां पर 1.5 मीटर है। इस लड़के की हाइट कितनी है हमारे पास यहां पर? 1.5। कितनी हाइट है? 1.5। ओके, नाउ अब इसकी आंखों से ना यहां पर बिल्डिंग के टॉप पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो आपको पता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का रिजल्ट होता है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता। तो वही चीज यहां पर है। अगर मैं इसकी आंखों से बात करूंगा तो इसकी आंखों के बिल्कुल सामने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर कुछ ऐसे। अब ये लड़का उस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, मान लो वो कुछ यहां पर इस तरीके से देख रहा है। तो इस तरीके से देखने के बाद अभी ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। कुछ समय बाद यही लड़का चलता चलता मान लीजिए यहां पर आ गया। कुछ समय बाद यही लड़का चलता चलता मान लीजिए यहां पर आ गया। तो यहां पर आने के बाद अब वो फिर से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो फिर से बिल्डिंग के टॉप का जो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो 30 नहीं रहा, क्योंकि अब वो बिल्डिंग के पास आ गया। तो बेटा उससे देखो, जैसे मान लो बिल्डिंग बहुत दूर है तो उसका टॉप हमें बड़ी आसानी से दिखाई दे सकता है, लेकिन मान लो जैसे मान लो बिल्डिंग यहां पर है तो इसके टॉप को मैं आसानी से देख सकता हूं, लेकिन अगर ये बिल्डिंग मेरे बिल्कुल पास में आ गई तो मुझे गर्दन उठानी पड़ेगी ऐसे बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, और जब ऐसे गर्दन उठानी पड़ेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। जब बिल्डिंग बहुत दूर थी तो मैं आसानी से उसके टॉप को देख सकता था, लेकिन जब बिल्डिंग मेरे पास में आ गई तो मेरे को उसके टॉप को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऐसे उठाना पड़ेगा, मतलब एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही कहानी यहां पर है। जब वो दूर से देख रहा था तो हम लोग दूर से ना, जब मान लीजिए कोई चीज काफी दूर है तो हम लोग उसके टॉप को या फिर उसके जमीन को अपनी गर्दन को बिना हटाए ऐसे आंख करके देख सकते हैं, मतलब नॉर्मली दिखता है। आप लोग इमेजिनेशन करिए, आपके सामने कुछ रखा हुआ है कोई हाइट पर और वो काफी डिस्टेंस पर है, तो आप उसको नॉर्मली देख सकते हो, उसके टॉप को देख सकते हो, उसके बॉटम को देख सकते हो। लेकिन बिल्कुल अपने पास में लाकर कोई चीज देखो तो आपको इस तरीके से अपना एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही कहानी यहां पर हुई है। जब वो लड़का बिल्डिंग के टॉप को कुछ डिस्टेंस से देख रहा था तो उसका एंगल 30 डिग्री था, लेकिन जब वो चलता चलता बिल्डिंग की तरफ आ गया तो उसको अपना एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री पे चला गया। अब आपको पता है चाहे बिल्डिंग हो चाहे लड़का हो, दोनों के दोनों खड़े तो ग्राउंड पे होंगे, तो यहां पर मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं कि ये हमारे यहां पर ग्राउंड है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा 30 मीटर था, हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ तो उसके बीच की डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन की लास्ट लाइन रिवाइज करवा रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको क्या करना है, वो वाली डिस्टेंस निकालना है जहां पर वो बिल्डिंग की तरफ आया। तो जब वो बिल्डिंग की तरफ आया तो बिल्डिंग की तरफ आने के लिए वो यहां से लेकर यहां पर आया, क्योंकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हुआ वो यहां से लेकर यहां तक का हुआ, तो आपको ये वाली यहां पर डिस्टेंस निकालनी है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ आई होगी, एक बार रफली और समझा देता हूं। यहां पर एक बिल्डिंग है, यहां पर मान लिया ग्राउंड है, यहां पर किसी पोजीशन पर एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा हुआ है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर की है, वो अभी यहां से लेकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, लेकिन कुछ समय बाद वो बिल्डिंग के पास में आ गया
तो बिल्डिंग के पास में आने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पर वो बिल्डिंग की तरफ आया, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बताओ कि जब वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा था, जब उसका एंगल चेंज हो रहा था, तो कितनी डिस्टेंस मतलब उसने यहां पर ट्रेवल करी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम आपको समझ आया, काफी सिंपल डायग्राम था, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। लेकिन एक काम की बात समझिएगा, आपको पता है बेटा जो भी हम मान लीजिए मैं अपनी आंखों की तरफ से देख रहा हूं, तो आंखों की तरफ से वो लड़का यहां से ऊपर की तरफ बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, तो मेरे पास जो ये वाली हाइट है वो हाइट किसी काम की नहीं है, मेरे पास ये वाली हाइट यहां पर किसी भी काम की नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग यहां पर 30 मीटर की थी और लड़के की हाइट 1.5 मीटर की थी, लेकिन लड़के का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का, वो तो उसकी आंखों से बन रहा है, और जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बन रहा है तो इसका मतलब इस वाली हाइट का कोई यूज नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। अगर हाँ उसके पैरों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता तो यहां पर हम लोग पूरी की पूरी हाइट को लेते, लेकिन हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, जहां पर आपका एंगल बन रहा है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो आपके पास जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जो हाइट आएगी वो यहां से ऊपर की आएगी, यहां से ऊपर की हाइट आएगी, नीचे वाली हाइट तो आएगी नहीं भाई, आप जमीन के अंदर की हाइट थोड़ी ना लेते हो। मान लीजिए मैं अपनी हाइट की बात करता हूं, तो मैं अपनी हाइट क्या करूंगा, मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब जिस फ्लोर पे मैं यहां खड़ा हूं, जिस फर्श पे मैं यहां खड़ा हूं, उस फर्श से ऊपर की हाइट लेता हूं ना, नीचे की हाइट का मुझे क्या काम है, नीचे की तो हाइट ही नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की हमारे पास हाइट होती है, मतलब इस वाली हाइट को हमें यहां पर हटाना है। तो सोचो बिल्डिंग जो होती है वो तो जमीन पे खड़ी होती है, वो हवा में तो उड़ती नहीं है, इसका मतलब ये जो 30 मीटर है वो तो यहां से लेकर यहां तक की आपके पास हाइट है, लेकिन ये हाइट 1.5 मीटर है तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये हाइट भी 1.5 होगी, ये छोटी सी हाइट भी 1.5 होगी। तो सोचो जो हाइट हमारे पास काम की है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट हमारे पास काम की है, क्योंकि यहां हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां बिल्डिंग का टॉप है, तो ये वाली हाइट हमारे पास यहां काम की है। तो ये हाइट कैसे निकालोगे, आप पूरे के पूरे 30 में से ये नीचे वाला 1.5 माइनस कर दो, आप पूरे के पूरे 30 में से ये नीचे वाला 1.5 माइनस कर दो, तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी 28.5। आप पूरे के पूरे 30 में से ये नीचे वाला 1.5 माइनस कर दो तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी यहां पर 28.5। क्लियर है? अब थोड़ा सा फिर समझो, सबसे पहले यहां पर इसका नाम दे देते हैं, लेट से ए बी सी डी ई एंड फाइनली एफ। सबसे पहले यहां पर आपको देखना है इन ट्रायंगल ए सी डी, मतलब आपको ना हमेशा यहां पर उन ट्रायंगल को पकड़ना होता है जहां जहां एंगल आपको पता है, जितने एंगल आपको पता है उन सारे के सारे ट्रायंगल्स को पकड़ लो। जैसे एक तो 60 डिग्री पता है तो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, एक 30 डिग्री पता है तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल को पकड़ लो। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा ए सी और डी में, यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ए सी और डी में। अच्छा, ए सी डी वाले में आपको पता है यहां पर 90 बनेगा क्योंकि बिल्डिंग तो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो अगर यहां थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो ये साइड है वो परपेंडिकुलर आ गई, ये छोटा सा आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गया। आपको क्या करना है, जमीन की बात करनी है क्योंकि जो डिस्टेंस आपको निकालनी है वो यहां ग्राउंड पर आ रही है, तो ग्राउंड पर आने का मतलब हम लोग यहां पर इसकी बात करेंगे, हाइपोटेनियस को बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं है इस क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर आपको पता है, उसकी हाइट्स आपको अलग अलग पता है, ये इतना है, ये पूरा का पूरा इतना है, छोटा सा इतना है, और जो हमें निकालना है वो यहां पर बेस वाला ऑप्शन है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस आता है। और ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन फंक्शन, कोट भी ले सकते हैं, टेन का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल एसीडी में आपको पता है जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, टेन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
लेकिन हमारा यहां पर एंगल कितना है एसीडी में, एसीडी में एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा यहां पर टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री के सामने ये वाली हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट पूरी की पूरी 30 नहीं लेना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमारे पास हाइट वो आती है जहां एंगल बनता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके ऊपर वाला, तो 60 डिग्री के सामने की हाइट इतनी है और ये हाइट कितनी है यहां पर 28.5, तो परपेंडिकुलर आ गया 28.5 अपॉन में, बेस हमें नहीं पता, इसका नाम दे दो सीडी, जो सीडी है ये वाला सीडी वो हमें नहीं पता, तो सीडी को सीडी रहने दो। अच्छा टेन 60 की वैल्यू होती है, टेन 60 की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट 3, तो ये यहां पर आ गया अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय सीडी, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 और डिवाइडेड बाय सीडी। एक काम करो, नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 के साथ सीडी, अंडर रूट 3 के साथ सीडी, और यहां पर 28.5 की वन में करोगे तो 28.5 ही आएगा। अब अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाओ, तो जो आपके पास सीडी है, सीडी की लेंथ आ गई 28.5 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, 28.5 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये आपके पास यहां पर सीडी की लेंथ आ गई, मतलब इतनी सी लेंथ। अब 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को हमने पकड़ लिया, उसका काम भी हो गया। अब यहां पर 30 डिग्री वाले ट्रायंगल पर आ जाओ। अच्छा ये मत समझना कि 30 डिग्री के लिए हमें यहां पर इस वाले ट्रायंगल का यूज करना है, नहीं, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले ये निकालना है, ना इसके बारे में नॉलेज है ना इसके बारे में नॉलेज है। मैं 30 डिग्री के लिए यहां पर इस वाले ट्रायंगल का बात करूंगा, ए डी और बी, 30 डिग्री के लिए मैं यहां पर इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, या आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। ट्रायंगल का नाम क्या था, ए डी और बी, तो यहां पर इन ट्रायंगल ए डी और बी, एडीबी में आपको फिर से पता है, एडीबी में सबसे पहले ये वाला एक तो रेशियो पता है, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, ये आपको यहां पर पता है, लेकिन एंगल कितना है 30 डिग्री, और जब आप बेस निकालोगे ना तो बेस आपके पास यहां से सिर्फ इतना नहीं आएगा, क्योंकि जो 30 डिग्री वाला वो है उसकी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जब भी एंगल की बात करते हो तो एंगल से लेकर अपनी हाइट तक की डिस्टेंस पे जाते हो, परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस लेते हो, जैसे जब हमने 60 की बात करा तो इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस लिया उस हाइट तक की, तो अगर मैं 30 की बात करूंगा तो 30 के लिए भी यहां से लेकर ये पूरी की पूरी सामने वाली डिस्टेंस लूंगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, फिर से मैं टेन फंक्शन का यूज करूंगा क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, बेस के बारे में बात करनी है, तो यहां पर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहां पर थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा यहां पर टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से आपके सामने 30 के सामने वाला मतलब ये परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है 28.5, तो 28.5 और डिवाइडेड बाय बेस, बेस आपको यहां पर नहीं पता, लेकिन बेस का नाम क्या है, बी और डी, पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा बेस है और बेस का मतलब बीडी, तो यहां पर आ गया बीडी। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 और डिवाइडेड बाय बीडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बीडी वन जा बीडी इज इक्वल टू 28.5 और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, ये आपके पास यहां पर बीडी आ गया, लेकिन आपको तो ना ही पूरा का पूरा सीडी निकालना था ना ही पूरा का पूरा बीडी निकालना था, आपको तो ये छोटा सा बीसी चाहिए, बी से लेकर सी तक छोटा सा बीसी चाहिए, तो सोचो ये छोटा सा बीसी कब आएगा, जब पूरे के पूरे बीडी में से, ये छोटा सा बीसी कब आएगा, जब पूरे के पूरे बीडी में से इधर वाला सीडी माइनस कर दो, भाई ये छोटा सा बीसी इधर वाला पार्ट कब आएगा, जब पूरे के पूरे में से उधर वाला माइनस कर दो, पूरे में से उधर वाला माइनस कर दो इधर वाला आ जाएगा,
तो पूरा का पूरा है बीडी। अगर आप बीडी में से सीडी माइनस करते हो तो बीसी आ जाएगा। अगर आप बीडी में से सीडी माइनस करते हो तो आपके पास बीसी आ जाएगा। अच्छा बीडी कितना है यहां पर, ये रहा 28.5 इंटू अंडर रूट 3, और सीडी कितना है आपके पास, ये रहा। तो 28.5 इंटू अंडर रूट 3 में से माइनस कर दो ये वाला 28.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये माइनस कर दो तो आपके पास बीसी आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, मेरे हिसाब से आपको कॉमन लेना चाहिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे देखो 28.5 यहां भी लिखा हुआ है और 28.5 यहां भी लिखा हुआ है, तो 28.5 को ही कॉमन ले लो। यहां बचा अंडर रूट 3 माइनस ऊपर बचा 1 और डिवाइडेड बाय नीचे बचा अंडर रूट 3। अब 28.5 तो कॉमन आ गया था इसके नीचे यहां पर 1 मान के एलसीएम लो, तो 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड करो तो रूट 3, और ऊपर वाले रूट 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा हुआ है, तो 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 1 गया 2 और डिवाइडेड बाय रूट 3। अब 28.5 की 2 में करो तो 28.5 की 2 में करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 25 जा 10 का 0 कैरी 1, 28 जा 16 और 117 का 7 कैरी 1, 22 जा 4 और 1 5, तो 57 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब आपको पता है नीचे रूट 3 नहीं आता तो रेशनलाइज करके हटा दो, तो 57 अपॉन रूट 3 में ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है रूट 3 यहां पर 3 हो जाएगा और ऊपर लिखा हुआ है 57 अंडर रूट 3। अब 57 को 3 से उड़ाओगे तो 19 आ जाएगा, मतलब आपके पास जो ये वाली डिस्टेंस है वो 19 रूट 3 आ गई, जो यहां बीसी की डिस्टेंस है जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ वो बिल्डिंग की तरफ कितना आया, तो उसके लिए आपको जो डिस्टेंस निकालनी थी वो कितनी आ गई, 19 अंडर रूट 3। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया, मैंने काफी डीप में समझाने की कोशिश करी आपको। उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपके पास ग्राउंड है, जमीन है, जमीन पर कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, आपके पास एक टावर है, उस टावर के बॉटम और टॉप का, कहां से बॉटम और टॉप का, जमीन पर किसी एक पॉइंट से, जो भी यहां पर टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर ना एक टावर खड़ा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये यहां पर आपके पास जमीन है, ये आपके पास यहां पर ग्राउंड है। आपने देखा होगा आप लोगों के घर के पास भी ऐसी कंडीशन होती है कि पहले घर होता है और घर के ऊपर ऐसे मोबाइल वगैरह वाले टावर बना देते हैं, तो वैसी ही कहानी है। आपके पास ये जमीन है, जमीन पर मान लीजिए यहां पर एक बिल्डिंग है, ये यहां पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर यहां पर एक टावर खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर यहां पर एक टावर खड़ा हुआ है। आप इस ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पर खड़े हो, लेट से आप लोग यहां पर इस वाले पॉइंट पर खड़े हो जिसका नाम मैं पी दे देता हूं। आपके पास ये बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के ऊपर यहां पर एक टावर था, और ये टावर बिल्डिंग और टावर से आप कुछ आगे डिस्टेंस पर खड़े हो, यहां पर आपके पास किसी पॉइंट पर खड़े हो ग्राउंड पे, और उस पॉइंट का नाम दे देता हूं लेट से पी। आप कहानी समझिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। आपके पास ये पॉइंट था, ये जमीन है, ये घर है, घर मतलब बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है, ये हमारे पास यहां पर बिल्डिंग है
और बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक टावर है और ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है। कहानी समझ आ गई ना, कि मान लो आपके पास ये एक जमीन है, जमीन पर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर फिर टावर है। कहानी समझ आई। अब उसके बाद सबसे काम की चीज बात करेंगे। सबसे काम की चीज के लिए आप लोग सेकंड वाली लाइन पढ़ो। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें पता चल गई। 20 मीटर हाई बिल्डिंग का मतलब यह है कि जो बिल्डिंग है यहां पर, मतलब ये जो नीचे वाला घर है यहां पर, इस घर की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है यहां पर, 20 मीटर। तो ये चीज हमारे लिए काफी बेनिफिट हो गया कि हमारे पास ये जो यहां पर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें पता चल गई 20 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा था बिल्डिंग के ऊपर एक टावर था, तो इस टावर के टॉप और बॉटम पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से। समझिएगा, आपके पास ये ग्राउंड था, ग्राउंड के इस पॉइंट से ये टावर है, तो टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे, टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे। कहानी पढ़िएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर, बाकी बीच की लाइन भूल जाइए, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। टावर का बॉटम, टावर का बॉटम और उसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले 45 डिग्री और उसके ऊपर यहां पर 60 डिग्री। कहानी समझ आई। आपके पास ये ग्राउंड था, एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि पता है ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ग्राफ को बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनने के बाद तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन सबसे पहले ग्राफ बनेगा कैसे। मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूं, मान सकता हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट यहां पर रिवाइज इसलिए करवा रहा था क्योंकि अगर आपके सामने उसने कोई गंदा सा क्वेश्चन पूछ लिया ना, तब भी आप उसकी लैंग्वेज को देख के समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसका डायग्राम कैसे बनेगा। और एक बार अगर डायग्राम उसका परफेक्ट बन गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बच्चों वाला काम है। आ जाओ, ये आपके पास यहां पर ग्राउंड है, ग्राउंड पर यहां कोई पॉइंट है पी, पहले आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री, बिल्डिंग की हाइट आपको पता है 20 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो वो चल करते हैं। आइए सबसे पहले इनके नाम देना शुरू करो, लेट्स से ए बी सी और यहां पर नाम दिया डी। अब सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि हर उस ट्रायंगल को पकड़ो जिसके पास कोई ना कोई एंगल दिख रहा है, मतलब जितने एंगल दिख रहे हैं उन सारे के सारे ट्रायंगल को पकड़ लो। जैसे देखो यहां पर मुझे दो एंगल दिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये 45 दिख रहा है, उसके बाद यहां पर ये 60 दिख रहा है। तो अगर मैं पहले 45 की बात करता हूं तो इस 45, इस 45 के सामने वाली हाइट, इस 45 के सामने वाली हाइट कितनी है, ये बिल्डिंग है। इस 45 के सामने वाला रिजल्ट क्या है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट आपको पता है। अच्छा सोचो, बिल्डिंग की हाइट आपको पता है, ये निकालना है। मैं एक काम करता हूं, मुझे यहां पर इस पॉइंट और इस बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस वगैरह नहीं पता, मैं एक्स नाम दे देता हूं। मुझे पॉइंट और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस नहीं पता, मैं एक्स नाम दे देता हूं। मुझे टावर की हाइट भी नहीं पता, मैं वाई नाम दे देता हूं। कहानी समझ आई। अब सोचो 45 डिग्री के सामने के लिए ये आपका यहां पर कोई ना कोई हाइट मिल रहा है जो कि आगे चल के परपेंडिकुलर का काम करेगा। हालांकि हाइपोटेनियस से भी काम हो सकता था, लेकिन हाइपोटेनियस वगैरह थोड़ा अजीब सा लग जाता है, मैं बेस को पकड़ लेता हूं। बेस को, जैसे देखो आपके पास यहां 45 डिग्री है, तो ट्रायंगल का नाम है बी सी और डी। तो इन ट्रायंगल बीसीडी, सबसे पहले बीसीडी में बात करूंगा। बीसीडी में आपको एंगल पता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है और नीचे वाला बेस नहीं पता। तो पहले बेस को निकाल लो। पहले आप क्या करो, यहां पर टैन फंक्शन का यूज कर लो। टैन फंक्शन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टैन फंक्शन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा यहां पर एंगल कितना है 45 डिग्री का,
तो ये हो जाएगा यहां पर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इस 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 20, तो ये हो गया यहां पर tan 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन में। आपको मैंने बताया है कि जहां एंगल बनता है उस वाले को हम लोग यहां पर ग्राउंड कहते हैं, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल बेस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास बेस का काम कर रही है और इसका नाम मैंने यहां पर एक्स दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर तो 20 है और ये जो हॉरिजॉन्टल है बेस, उसका नाम मैंने यहां पर एक्स दिया हुआ है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करो तो ये हो जाएगा यहां पर एक्स 1 जा एक्स इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये जो आपके पास बेस है, इस बेस की वैल्यू आ गई यहां पर 20, पॉइंट और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ गई आपके पास 20। अब 45 वाले का काम हो गया तो दूसरे एंगल को पकड़ो। 60 डिग्री का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का एंगल है, नहीं, एंगल आपके सामने ग्राउंड से निकलता है, तो ये जो 60 डिग्री है वो यहां ग्राउंड से लेकर यहां तक का एंगल है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास यहां पर 60 डिग्री का है। अब समझिएगा, अगर मैं यहां पर इस 60 डिग्री की बात करूंगा तो पूरी की पूरी जो आपके सामने परपेंडिकुलर आएगी, अगर मैं इस 60 डिग्री की बात करूंगा तो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, और बेस तो हमारे सामने इतना ही रहेगा क्योंकि जो 45 था और जो 60 था वो सेम पॉइंट से बन रहा है। तो 45 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर था तो 60 के सामने वाला ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो पूरे के पूरे ट्रायंगल में काम करो, पूरे के पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी और डी। तो मैं बात करूंगा यहां पर इन ट्रायंगल एसीडी, मैं एसीडी में बात करूंगा और एसीडी में मैं यहां पर 60 को पकड़ूंगा, क्योंकि देखो मुझे बेस अब पता चल गया 20, मुझे पूरी की पूरी हाइट तो नहीं पता लेकिन थोड़ी सी हाइट पता है, थोड़ी सी हाइट निकालनी है। तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो टेन फंक्शन को पकड़ूंगा और टेन फंक्शन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, अब आपके पास थीटा कितना आ गया, आपके पास थीटा की वैल्यू 60 आ गई, तो ये हो गया यहां पर tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, मतलब थोड़ा सा पता है थोड़ा सा नहीं पता, क्योंकि देखो 60 के सामने ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा तो पूरे के पूरे की हाइट कैसे निकालोगे, ये छोटी सी हाइट 20 और ये ऊपर वाली हाइट वाई, तो पूरे की पूरी हाइट कितनी आ गई यहां पर 20 प्लस वाई, कितनी आ गई 20 प्लस वाई। अच्छा, बेस, बेस का नाम हमने x दिया था लेकिन x की वैल्यू हमारे पास यहां पर 20 आ गई, तो बेस की जगह यहां पर 20 पुट कर दो। tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 20 प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 20, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 की मल्टीप्लाई 20 प्लस वाई में करोगे तो 20 प्लस वाई आ जाएगा, और यहां अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 20 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब प्लस का 20 उधर जाके माइनस हो गया तो y की वैल्यू आ गई 20 अंडर रूट 3 और प्लस 20 इधर आके माइनस में आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है 20, तो 20 कॉमन ले लो, यहां बचा अंडर रूट 3 और यहां कुछ नहीं बचा तो 1, तो ये आपके पास यहां पर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 इस y की वैल्यू आ गई जो हमें यहां पर टावर की हाइट निकालनी थी। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए स्टैच्यू, आपके पास एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टेल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। आपको पता है जो स्टैच्यू वगैरह होते हैं वो एक पेडिस्टल के ऊपर बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पेडिस्टल के ऊपर बना हुआ है, मतलब कहानी ना ऐसे होती है, जैसे मान लो यहां पर ये, यहां पर मान लो ये एक यहां पर इस तरीके से ये एक पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर हमने यहां पर एक स्टैच्यू रख दिया, कहानी समझ आई, ये एक पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर हम लोगों ने यहां पर एक इस तरीके से स्टैच्यू रख दिया, तो ऐसी कहानी है यहां पर। तो एक स्टैच्यू है जिस स्टैच्यू की हाइट यहां पर 1.6 मीटर है,
स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, वो स्टैच्यू यहाँ पर एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 8। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा एक स्टैच्यू 1.6 मीटर टेल, एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट यहाँ पर 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, वो किसी पेडिस्टल के टॉप पर रखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, उस स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी सेम पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। कहानी समझिएगा, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक ग्राउंड है, क्योंकि चाहे पेडिस्टल हो, स्टैच्यू हो, पॉइंट हो, वो सारी की सारी चीजें जमीन पर ही होती हैं। तो ये आपके पास यहां पर एक ग्राउंड है, मैंने माना ग्राउंड पर यहां पर एक इस तरीके से पेडिस्टल है, इस तरीके से मैंने माना यहां पर एक पेडिस्टल है, और पेडिस्टल के ऊपर इस तरीके से यहां पर कोई ना कोई स्टैच्यू खड़ा होगा, पेडिस्टल के ऊपर यहां पर इस तरीके से कोई ना कोई स्टैच्यू खड़ा होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर है, आप ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से हैं, पॉइंट पर हैं, ये आपके पास यहां पर पेडिस्टल है और ये आपके पास यहां पर स्टैच्यू है, स्टैच्यू। अब इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का, क्योंकि देखो स्टैच्यू का टॉप यहां पर है, स्टैच्यू का बॉटम यहां पर है, पेडिस्टल का टॉप भी यहीं पर है, पेडिस्टल का बॉटम यहां पर है, स्टैच्यू का टॉप ये रहा, स्टैच्यू का बॉटम ये रहा, पेडिस्टल का टॉप भी यही है। ये उसने जो यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया, जो नेक्स्ट लाइन यूज कर दी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, इज नथिंग बट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टैच्यू। ये जो आपके सामने यहां पर पेडिस्टल का टॉप है, ये पेडिस्टल का टॉप हमें कुछ और नहीं बता रहा, बल्कि ये इनडायरेक्टली हमें यहां पर स्टैच्यू का बॉटम ही बता रहा है। तो आपके पास इस पॉइंट से लेकर उस स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है पूरा का पूरा 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, लेकिन इसी स्टैच्यू से लेकर इस पेडिस्टल के टॉप का जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 45 डिग्री। कहानी समझ आई, इस पॉइंट से लेकर स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इसी पॉइंट से लेकर आप इसे स्टैच्यू का बॉटम कह दो या फिर आप उसे पेडिस्टल का टॉप कह दो, वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री है। अच्छा, स्टैच्यू की हाइट हमें पता है, हमें ये वाली हाइट यहां पर पता है 1.6 मीटर, स्टैच्यू की हाइट यहां पर कितनी है 1.6 मीटर, हमें पेडिस्टल की हाइट भी नहीं पता और हमें ये ग्राउंड भी नहीं पता, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास ग्राउंड वाली, हमें ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले पेडिस्टल की हाइट नहीं पता, नाम दे दो, लेट से आपने इसका नाम एक्स दे दिया, और ये आपको बेस भी नहीं पता, तो लेट से बेस का नाम आप यहां पर वाई दे दो। हमें निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें एक्स निकालना है। इन सबके नाम देना शुरू करो, ए बी सी और डी। सबसे पहले उन उन ट्रायंगल को पकड़ो जहां जहां पर एंगल आपको पता है, जैसे पहले एक तो बी सी और डी, इस बी सी डी वाले ट्रायंगल में आपका एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल पता चल गया, तो इसका यूज करो। क्या यूज करोगे, देखो इस 45 के सामने वाला आपके पास परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये हाइट आपके पास कितनी है यहां पर पेडिस्टल की हाइट एक्स, और आपको पता है ये बेस का काम कर रहा है, और बेस की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है यहां पर वाई। तो सबसे पहले इसी को पकड़ लो जहां पर आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में नॉलेज है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके ऊपर आता है, टेन के पास आता है, टेन का रेशियो होता है। तो बात करूंगा ट्रायंगल बी सी और डी की, तो इन ट्रायंगल बी सी और डी में आपको पता है जो टेन फंक्शन होता है उसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन अगर मैं सबसे पहले एंगल की बात करूं तो बीसीडी में एंगल हमारा 45 है, तो ये हमारे पास हो गया यहां पर
10:45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, तो ये हो गया x, डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू y है, तो x डिवाइडेड बाय y। अच्छा 10:45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, y को 1 के पास भेजो तो y बन जा y इज इक्वल टू x आ गया। एक कंडीशन आ गई हमारे पास यहां पर कि ये जो y है वो कुछ और नहीं वो x के इक्वल होगा, इतना आपको समझ आया। उसके बाद यहां पर अपने नेक्स्ट एंगल पर आ जाओ, और नेक्स्ट एंगल है हमारे यहां पर ये 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाला हमारे पास यहां पर नेक्स्ट एंगल है। तो थोड़ा सा सोचो, इस 60 डिग्री के सामने वाला हमारे पास ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेस तो हमें पता है यहां पर वाई। तो फिर से अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए सी और डी की, अगर मैं फिर से बात करूं यहां पर इन ट्रायंगल ए सी और डी की, तो इस ए सी डी वाले ट्रायंगल में ये आपको पता है एंगल थीटा, और ये पूरी की पूरी हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि देखो ना अगर मैं जमीन की तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, और अगर मैं लाइन ऑफ साइट की तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, और इस पूरे के पूरे की बीच की डिस्टेंस हमारे पास हाइट का काम करेगी। 60 डिग्री देखो ना ऐसे ही तो बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा हाइट है। तो फिर से परपेंडिकुलर के बारे में नॉलेज हो सकती है और बेस के बारे में नॉलेज हो सकती है। तो टैन फंक्शन को पकड़ो, टैन फंक्शन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा थीटा कितना होगा नेक्स्ट कंडीशन में 60 डिग्री, तो ये यहां पर हो गया टैन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपको नहीं पता क्योंकि इतनी सी हाइट तो 1.6 है, इतनी सी हाइट 1.6 है, लेकिन नीचे वाली हाइट नहीं पता, हमें तो पूरी की पूरी हाइट लेनी है। तो ऊपर वाला 1.6 है, नीचे वाले का नाम मैंने x दिया, तो पूरी की पूरी हाइट कितनी आ गई यहां पर 1.6 प्लस x, पूरी की पूरी हाइट कितनी आ गई 1.6 प्लस x, और बेस क्या है आपका, बेस यहां पर y है, तो डिवाइडेड बाय यहां पर y आ जाएगा। अच्छा tan 60 की आपको वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x और डिवाइडेड बाय y, y को √3 के पास भेजोगे तो y √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, y को √3 के पास भेजोगे तो y √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x आ गया। अब आपके पास जो y था वो x के इक्वल था, तो आप x की वैल्यू पुट करोगे या y की वैल्यू पुट करोगे वो डिपेंड इस पे करता है कि आपको निकालना क्या है। आपको हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना था, और पेडिस्टल की जो हाइट है उसका नाम मैंने यहां पर x दिया हुआ है, तो आपको x निकालना है, मतलब x चाहिए हमें, और जब x चाहिए तो किसको हटाऊं, x के अलावा कौन वेरिएबल है यहां पर y, तो y को हटाओ और y की जगह कौन पुट कर दो x, तभी हमें x मिलेगा। याद रखना जो हमें निकालना होता है उसके अपोजिट वाले की वैल्यू पुट करते हैं, x निकालना है y की वैल्यू पुट करो, y निकालना है x की वैल्यू पुट करो। जैसे यहां पर y अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अपोजिट में कौन है, x का उल्टा कौन है y, तो y की वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां y मिलेगा वहां वहां क्या पुट करूंगा x, तो ये हो गया यहां पर x रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब प्लस के x को उठाकर इधर लाओ माइनस हो जाएगा, तो x रूट 3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6, यहां से x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, यहां बचा अंडर रूट 3, यहां बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6। अब अंडर रूट 3 माइनस 1 को डिवाइड में ले आओ तो x की वैल्यू आ गई 1.6 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। अब आपको पता है नीचे रूट नहीं आता तो रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करते वक्त हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो ये जो नीचे अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो आप जब इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस 1 ऊपर आके यहां पर अंडर रूट 3 प्लस 1 ऊपर और अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे, तो ये हो गया यहां पर 1.6 के साथ अंडर रूट 3 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय, यहां लगा दो a माइनस का b और a प्लस का b,
तो a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर वन और थ्री में से वन गया टू। 1.6 को टू से उड़ाओगे तो 0.8 के साथ अंडर रूट थ्री प्लस वन, ये आपका यहां पर वैल्यू आ गई। ये किस चीज की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये पेडिस्टल की हाइट आ गई जो हमें यहां पर निकालना था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इस 30 डिग्री, मतलब एक टावर है एक बिल्डिंग है, तो अगर आप टावर के फुट से लेकर बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हो तो आपको 30 डिग्री मिलेगा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का, एक बार उसने टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप बोला, एक बार वो बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप बोलेगा, तो बिल्डिंग के फुट से लेकर टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है यहां पर क्या होगी। कहानी समझिएगा, आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें मतलब एक टावर है एक बिल्डिंग है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हम लोग यहां पर ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखो, मान लो हमारे पास यहां पर ये ग्राउंड है, मान लो ये हमारे पास यहां पर एक ग्राउंड है। अब ग्राउंड पर सबसे पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन किधर है क्या वो है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ डायग्राम बनाना तो पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग अपनी रफली कंडीशन को समझने के लिए। जैसे देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर मान लो यहां पर एक टावर है और यहां पर एक बिल्डिंग है, कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे को नहीं पता। मैंने क्या करा, दोनों ही डायग्राम ऐसे रफली बना लिया कि भाई तू टावर है और यहां पर तू बिल्डिंग है। कहानी समझ आई, ये यहां पर टावर है और ये यहां पर बिल्डिंग है, क्योंकि मुझे तो रफली डायग्राम चाहिए, मुझे क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, और क्वेश्चन वाले ने ऐसा कहा भी नहीं है कि भाई वो चीज बड़ी है, मेरे को नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, और वो चीज छोटा है। तो मैंने बस बना दिया कि ये टावर ये बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले उसने यहां पर कहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के देखो, टावर का टॉप यहां पर है, टावर का फुट यहां पर है, बिल्डिंग का फुट यहां पर है और बिल्डिंग का टॉप यहां पर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से लेकर बिल्डिंग के टॉप का, टावर के फुट से लेकर बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहां पर 30 डिग्री का, कितना है यहां पर 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से लेकर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर कितना है 60 डिग्री। कहानी समझ आई भाई, टावर के टावर के टॉप से लेकर बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और बिल्डिंग के टॉप से लेकर टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन वाला हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन वाला हमसे यहां पर कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। हमें यहां पर टावर की हाइट पता चल गई, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको क्या करना है यहां पर, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, मतलब ये वाली हाइट, लेट से इसका नाम दिया x। अच्छा, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस मतलब ये भी हमें नहीं पता, लेट से इसका नाम दिया यहां पर y। कहानी समझ आई, टावर बिल्डिंग, टावर के टॉप से बिल्डिंग का फुट 60 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट 30 डिग्री, टावर की हाइट 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, क्या नाम दिया x, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस नहीं पता, क्या नाम दिया y। अब इन सबके नाम देना शुरू करो, लेट से a b c
डी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई। अब समझिएगा कहानी ध्यान से। सबसे पहले हमें यहां पर दो एंगल दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है जितने एंगल दिखे उन सारे के सारे ट्रायंगल को पकड़ो। जैसे समझो, सबसे पहले मुझे 30 डिग्री दिख रहा है, तो अगर मैं इस 30 डिग्री वाले को पकड़ूं तो 30 के सामने वाला ये, 30 के सामने वाला ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास यहां पर बेस है। तो सबसे पहले 30 को पकड़ो, 30 वाले ट्रायंगल का नाम है डी सी और बी। तो फिर से बात करूंगा यहां पर मैं इन ट्रायंगल डीसीबी में। अच्छा, डीसीबी में 10 एंगल मतलब पता है, परपेंडिकुलर के बारे में नॉलेज नहीं है एक्स नाम दिया, बेस के बारे में नॉलेज नहीं है वाई नाम दिया, हाइपोटेनियस का यूज नहीं कर रहा, इनसे ही काम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से टेन फंक्शन के पास आता है और टेन फंक्शन का रेशियो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, यहां पर थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री का है, तो ये हो गया यहां पर टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, आपने इसका नाम दिया हुआ है एक्स, और बेस भी आपको नहीं पता, बेस का नाम आपने दिया हुआ है वाई। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई बन जा वाई इज इक्वल टू एक्स की रूट थ्री में कर दो तो एक्स अंडर रूट थ्री आ गया। इतना आपको समझ आया। अब 30 डिग्री वाले एंगल का यूज हो गया, तो इस 60 डिग्री वाले एंगल पर आओ, इस 60 डिग्री वाले एंगल पे। अच्छा, जब आप इस 60 वाले एंगल की बात करोगे तो इसके सामने वाला मतलब ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, और बेस के बारे में नॉलेज है हमारे पास, उसका नाम हमने y दिया है। तो अगर मैं यहां पर 60 डिग्री वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो फिर से टेन फंक्शन का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर तो पता है 50, बेस नहीं पता, बेस का नाम दिया हुआ है y। तो इसका ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको पता है एबीसी वाले ट्रायंगल में यहां पर सबसे पहले मैं टेन फंक्शन का यूज करने वाला हूं, तो टेन फंक्शन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, यहां पर थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहां पर टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 के सामने वाला पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, बेस कितना है हमारे पास यहां पर, y, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय y। टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय y, y की रूट 3 में कर दो तो y अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आपके पास 50 आ गया। एक अनदर इक्वेशन और आ गई। अब देखो, हमें यहां पर y भी नहीं पता था, x भी नहीं पता था, निकालना क्या था, x, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अगर x निकालना है तो वैल्यू किसकी पुट करोगे, y की। तो सोचो, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो चीज निकालना है उसके अपोजिट वाली वैल्यू पुट करो। अगर हमें यहां पर x निकालना है तो x के अपोजिट में कौन है, x के अपोजिट में y है। तो अगर आप x को निकालने की बात करोगे तो आप यहां पर y की वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, x अंडर रूट 3, तो इस x अंडर रूट 3 को उठा के यहां पुट कर दो तो ये हो गया x अंडर रूट 3, पीछे से ये वाला अंडर रूट 3 और इज इक्वल टू यहां पर 50 आ गया। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है x और इज इक्वल टू 50, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिवाइडेड बाय 3, और यही हमारा यहां पर आंसर है 50 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 50 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया। उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, आपके पास दो पोल हैं, पोल का मतलब खंबे हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर, मतलब दो पोल है, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हैं, एक उधर खड़ा है तो एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है तो एक इधर खड़ा है, ऐसी कहानी है।
एंड आइदर साइड ऑफ द रोड, और ये दोनों के दोनों रोड के किसी भी साइड में खड़े हैं। किसी भी साइड में खड़े होने का मतलब मान लो ये रोड है, तो कहानी ऐसे हो सकती है कि मान लो जब आपके पास ये रोड है तो हो सकता है पहला खंबा यहां हो और दूसरा खंबा भी उसके बगल में हो। मान लो ये रोड है तो हो सकता है पहला पोल इधर हो और दूसरा पोल इधर हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक पोल इधर है, एक पोल इधर है और अनदर पोल इधर है। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। बेसिक क्या मतलब, क्वेश्चन को इजी करने का तरीका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो कहानी आइदर साइड है, तो हमेशा एक काम करो, एक को इधर मान के चलो, एक को उधर मान के चलो, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे उसने यहां पर कहा हुआ है कि रोड के आइदर साइड, या तो रोड के दोनों एक ही तरफ खड़े हैं या तो फिर अपोजिट साइड में खड़े हैं, मतलब एक इधर खड़ा है और एक उधर खड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसी कहानी आए तो ये मान के चलो कि भाई एक इधर खड़ा हुआ है रोड पे और रोड के एक उस तरफ खड़ा हुआ है, एक इधर और एक उस तरफ। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं, दोनों के दोनों पोल की हाइट इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। एंड आइदर साइड ऑफ द रोड, और रोड की किसी भी साइड में खड़े हुए हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, वो रोड यहां पर जो रोड की लेंथ है वो 80 मीटर की है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड की आपको वाइड पता चल गई 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, तो उस पॉइंट से लेकर उस जो आपके सामने पोल्स है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और पोल से लेकर वो जो आपके सामने पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 10। ओके, क्वेश्चन था सबसे पहले कि भाई आप दो पोल बनाओ। पोल बनाने से पहले एक काम करो, रोड बना दो। मान लो ये हमने यहां पर एक रोड बना दी, ठीक है। अब जब हमने यहां पर ये एक रोड बना दी तो हमारे पास ऑप्शन है। मैं काम करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारा पोल है फर्स्ट नंबर का वो इधर खड़ा है और जो हमारा पोल है सेकंड नंबर का वो इधर खड़ा है। अच्छा, दोनों की हाइट यहां पर इक्वल है, जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी। मैंने क्या बोला, ये रोड है, एक पोल इधर खड़ा है, एक पोल उधर खड़ा है। कहानी समझ आई। ये हमारा यहां पर पोल फर्स्ट है और ये हमारा यहां पर पोल सेकंड है। ओके, ये आपके पास यहां पर रोड है। आप क्या कर रहे हैं, रोड के बीच में किसी भी पॉइंट पर खड़े हैं, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं खड़े। हो सकता है बिल्कुल यहां खड़े हो सकता है यहां खड़े हो सकता है यहां, हो सकता है यहां, कहीं भी खड़े हो सकते हो। मैंने माना कि आप यहां पर इस पोजिशन पर खड़े हुए हो, इस पोजिशन पर। ये बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल बीचों बीच वाला नहीं है, वो रोड के कहीं पर भी हो सकता है, रोड के किनारे भी हो सकता है, रोड के बीच में भी हो सकता है, रोड के उधर भी हो सकता है, मतलब उस कोने पे। तो आप मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर खड़े हो और इस पॉइंट से दोनों के दोनों पोल का जब आप एलिवेशन निकालोगे, इस पॉइंट से जब आप दोनों के दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालोगे, तो निकालने के लिए मैंने क्या करा, दोनों पोल के टॉप को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अच्छा, फिर कोई कंफ्यूज नहीं होना कि हम 60 इसे माने, 30 इसे माने, 30 इसे माने, 60 किसे क्या माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका नाम 60 दे देता हूं, इसका नाम यहां पर 30 दे देता हूं। आप इसका 60 दे दो, इसका 30 दे दो। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि ये हम लोग यहां पर एक रफली डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हाँ कुछ ऐसी ऐसी कहानी वहां पर हो रही होगी। ये आपको समझ आया। पोल्स की हाइट यहां पर इक्वल है और वो हाइट हमें नहीं पता, तो मैंने एक काम करा, इस पोल की हाइट का नाम दिया यहां पर x, तो ऑटोमेटिक इस वाले पोल की हाइट भी यहां पर x हो जाएगी। अच्छा, रोड जो पूरी की पूरी रोड है वो यहां पर 80 मीटर की है। यहां से लेकर यहां तक की जो आपके पास पूरी की पूरी रोड है वो यहां पर 80 मीटर की है। अब समझना ध्यान से, आपको क्या करना है, ये एक तो उनके बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है, मतलब पॉइंट से इस वाले पोल तक की डिस्टेंस, पॉइंट से इस वाले पोल तक की डिस्टेंस, उसके अलावा इन दोनों की यहां पर हाइट भी निकालनी है। समझिएगा ध्यान से,
जैसे सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं इसका पहले नाम देना शुरू करता हूं, ए बी सी डी और ई। डायग्राम आपको समझ आ गया था, क्या डायग्राम था? बीच में एक रोड है, यहां पर एक पोल है, यहां पर एक पोल है, दोनों की हाइट आपस में इक्वल है। आप बीच में किसी पॉइंट पर खड़े हुए हो, इसके टॉप से जब आप इस पॉइंट पे देखते हो, इसके टॉप से जब आप इस पॉइंट का लेते हो रिजल्ट, तो एलिवेशन आपके सामने मतलब ये वाला एंगल आपके पास यहां पर 60 और 30 आ जाता है। आप इधर भी 60 मान सकते हो, इधर भी 30 मान सकते हो। रोड के बीच की डिस्टेंस यहां पर 80 है, पोल की हाइट नहीं पता, मैंने एक्स नाम दिया, तो आपको ये निकालना है, दोनों की दोनों हाइट इक्वल है। और इस पॉइंट से लेकर दोनों के पोल तक की डिस्टेंस, यहां से ये वाली डिस्टेंस भी, यहां से ये वाली डिस्टेंस भी, ये सब चीजें आपको यहां पर निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने एंगल दिख रहे हैं उतने ट्रायंगल को पकड़ो। जैसे एक तो ये 60 डिग्री वाला एंगल दिख रहा है और एक यहां पर ये 30 डिग्री वाला एंगल दिख रहा है, तो एक इधर वाले ट्रायंगल को पकड़ लो और एक इधर वाले ट्रायंगल को पकड़ लो। जैसे देखो, सबसे पहले इसको पकड़ता हूं 60 को। पकड़ने से पहले जब मैं 60 को यहां पर पकड़ूंगा तो 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस का यूज बहुत कम करते हैं हम लोग, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस को लेके बात करूंगा। तो परपेंडिकुलर तो मुझे पता है एक्स, लेकिन सिर्फ 60 तो यहां पर बन रहा है ना, और मैंने आपसे कहा था कि जहां पर आपके सामने जिस पॉइंट से एंगल बनता है उस पॉइंट से आगे तक जहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है वहां तक की डिस्टेंस बेस होती है। तो पॉइंट से लेकर यहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये वाली डिस्टेंस बेस होगी, और ये तो हमें नहीं पता क्योंकि हमें जो यहां पर 80 पता है वो तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस यहां पर नहीं पता। मैंने सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस का नाम वाई दिया। तो सोचो, पूरी की पूरी 80 था, सिर्फ इतने का नाम अपने मन से वाई दिया, तो ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिक यहां पर हो जाएगी 80 माइनस वाई। कहानी समझ आई? ये पूरी की पूरी डिस्टेंस यहां पर 80 थी, मैंने सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस का नाम वाई दिया, तो ये डिस्टेंस अपने आप पूरे के पूरे में से इधर वाला माइनस कर दो, उधर वाला आ जाएगा। पूरा 80 था, इधर वाला वाई था, उधर वाला 80 माइनस वाई आ गया। अब 60 को पकड़ो, तो 60 को पकड़ने के लिए कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी वाले ट्रायंगल में सोचो, मैं टेन फंक्शन का यूज करूंगा, टेन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर एक्स है, तो एक्स अपॉन में बेस, बेस कितना है यहां पर? वाई। तो ये एक्स अपॉन में वाई। अच्छा, टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वाई की रूट 3 में करोगे वाई रूट 3, एक्स की 1 में करोगे एक्स, तो यहां पर आ गया एक्स बन जा एक्स इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 3, एक्स बन जा एक्स इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 3। अब ये तो हमारा हो गया, अब अगली बार इधर वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ई डी सी। तो यहां पर हो जाएगा इन ट्रायंगल ई डी और सी में, तो इस वाले ट्रायंगल में आपको पता है एंगल यहां पर बन रहा है 30 डिग्री, तो इस 30 के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये छोटा सा आपके पास बेस होगा, क्योंकि पॉइंट से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस आपके पास बेस होती है, तो मतलब इतना सा आपके पास बेस होगा, और इतने से की लेंथ कितनी है? 80 माइनस वाई। तो अगर आपने फिर से यहां पर टेन फंक्शन को पकड़ा, तो टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, फिर से हमारे पास एक्स है क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है, तो एक्स अपॉन बेस हमारे पास इतना सा, और इतने से का मतलब 80 माइनस वाई, इतने से का मतलब 80 माइनस वाई। टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 80 माइनस वाई,
80 माइनस वाई की 1 में मल्टीप्लाई करो तो 80 माइनस वाई, एक्स की रूट 3 में करोगे तो एक्स अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहां पर आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है, सारी चीजें निकालनी थी, तो जो मन करे उसकी वैल्यू पुट करो। जैसे देखो, सबसे पहले x पता है, x की वैल्यू कितनी है, y अंडर रूट 3, तो जहां जहां x दिखता है वहां वहां y अंडर रूट 3 पुट कर दूं। तो यहां पर x दिख रहा है, x की जगह क्या पुट करूंगा, y अंडर रूट 3। तो ये हो गया 80 माइनस का y इज इक्वल टू x की जगह y अंडर रूट 3 और पीछे से ये वाला अंडर रूट 3 आ गया। तो ये हो गया यहां पर 80 माइनस का y इज इक्वल टू रूट 3 के रूट 3 में करोगे 3 आ जाएगा और ये लिखा हुआ है y। अच्छा, माइनस y उधर जाके प्लस होगा तो 80 इज इक्वल टू 3y में y प्लस कर दो 4y आ गया, 80 को 4 से उड़ाओ तो y की वैल्यू यहां पर 20 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इस 20 को उठा के यहां पुट कर दो तो x इज इक्वल टू y की जगह 20 पुट करोगे तो 20 अंडर रूट 3 आपके पास x आ गया। और x का मतलब क्या था, इस पोल की हाइट, तो पोल की हाइट आपके पास कितनी आ गई यहां पर, 20 अंडर रूट 3। लेकिन आपको तो ये डिस्टेंस भी निकालनी है ना, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से वहां तक की डिस्टेंस। तो सोचो इतनी सी डिस्टेंस कितनी है, y, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आई है, 20। मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई 20। और इतनी सी डिस्टेंस क्या है, 80 माइनस वाई, वाई की जगह 20, तो 80 में से 20 माइनस करो तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 60। तो कहानी में आपके पास ये वाली जो लेंथ है डिस्टेंस वो 20 है, ये 60 है और पोल की हाइट यहां पर 20 अंडर रूट 3 है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ है?